हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ नीट बायोलॉजी के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 180 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 181 से क्वेश्चन नंबर 190 तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो आपको एनसीईआरटी में 3 टाइप्स के आईयूडी दिए गए। एक तो है नॉन मेडिकेटेड, जिसका एग्जाम्पल है लिपिज लूप। देन है कॉपर रिलीजिंग, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ये कॉपर रिलीजिंग है। और फिर है हार्मोन रिलीजिंग, तो उसमें प्रोजेस्टासर्ट और LNG20। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हमें यहाँ पर पूछा गया हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, LNG20। अगर प्रोजेस्टासर्ट दिया होता तो वो भी करेक्ट हो जाता, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बाकी जो तीनों है, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल साइकिल से पूछा गया है द सेंट्रियल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। तो ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। DNA रेप्लिकेशन और सेंट्रियल का डुप्लीकेशन, ये दोनों भी एस फेज में होते हैं, तो ये डायरेक्टली एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये NCERT में भी दिया गया है, अगर आपने इसे अच्छे से समझा होगा तो आप विदिन 10 सेकेंड्स इसे मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग RNAs इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा RNA ना कि प्रोटीन सिंथेसिस के किसी भी स्टेप में इन्वॉल्व होता है, जैसे ना तो ट्रांसक्रिप्शन में ना ही ट्रांसलेशन में। तो यहाँ पे आपको पता है कि mRNA का यूज़ करके ही तो हम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। mRNA का जो टेम्पलेट होता है उसके ऊपर ही राइबोसोम्स आके ज्वाइन होते हैं और उसके ऊपर ट्रांसलोकेशन के द्वारा ट्रांसलेशन होता है, तो ये हो नहीं सकता। देन rRNA जो राइबोसोम होता है उसके अंदर rRNA और प्रोटीन्स होते हैं, तो इसलिए rRNA भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी ट्रांसलेशन के स्टेप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देन tRNA आपको पता है अमाइनो एसिड्स को लेके आता है एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी राइबोसोम्स में, तो इसके वजह से ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी siRNA। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और इसे आप एलिमिनेशन से इजीली सॉल्व कर सकते थे। और वैसे भी आपने इन तीनों RNAs के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन अभी तक आपने siRNA के बारे में उतना डिटेल से नहीं पढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जेनेटिक्स का क्रॉस है, पूछा गया इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल अनीमिया, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिसीज। तो जब भी क्रॉस होता है तो इसे हम एक पनेट स्क्वायर के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमें दिया गया है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कौन सी कंडीशंस दी गई हैं। तो जो मेल है उसके अंदर हेट्रोजाइगस सिकल सेल अनीमिया के जीन है, तो यहाँ पे आपको दिया गया हेट्रोजाइगस कंडीशन फॉर सिकल सेल अनीमिया इन बोथ मेल एंड फीमेल। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि जो सिकल सेल अनीमिया वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो यानी इसका जो जीन होगा वो HBS HBA इस तरीके का, जो इसमें HBA वो नॉर्मल है और HBS जो है अफेक्टेड है, यानी रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस होगा। अगेन यहाँ पे मदर के अंदर भी HBA और HBS, तो यहाँ पे अगर आप इस क्रॉस को लिखेंगे तो HBA HBS एक प्रोजेनी के अंदर होगा, लेकिन ये अफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, यानी एक कैरियर होगा लेकिन अफेक्टेड नहीं होगा। यहाँ पे जो HBS HBS का वाला कंडीशन होगा वही अफेक्टेड होगा। और हमें यही पूछा गया कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिसीज्ड, यानी इनमें से कितने परसेंटेज प्रोजेनी होंगे जिनके ऊपर इसका सिकल सेल एनीमिया का इफेक्ट दिखाई देगा। तो आउट ऑफ 4 ओनली 1 के ऊपर ये इफेक्ट दिखाई देगा। इसे आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि जो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है वो जनरली 1/4 यानी 25% प्रोजेनी में ही दिखाई देता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बहुत ही सिंपल सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं भी पता तो आप इसे 1 मिनट के अंदर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है रेस्पिरेशन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन में पूछा है सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट द एल्वियोलाई। तो आपको एल्वियोलाई में क्या कंडीशन होगी तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, ये हमें बताना है। तो ऑक्सीजन के साथ में जब हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ताकि टिश्यूज़ में जाकर रिलीज़ कर सके। तो यहाँ पे आप देखेंगे लो PO2, तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो HBO2 का फॉर्मेशन, यानी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो मूव नहीं करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यानी रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तभी तो प्रोडक्ट की ओर मूव करेगा बाय ली शैटलर्स प्रिंसिपल। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हाई PO2, तो ये बात सही है। लो PCO2, ये बात भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर रिलेटिवली कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देन लेस H+, यानी एसिडिटी वहाँ पे कम होनी चाहिए, ये बात भी सही है। अगर यहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे बाइंडिंग में प्रॉब्लम होगा हीमोग्लोबिन के साथ, तो इसलिए लेस H+ होना चाहिए और लोअर टेम्परेचर, ये बात भी सही है। वरना यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा वो बाइंड नहीं कर पाएगा, रिलीज हो जाएगा हीमोग्लोबिन से जो कि टिश्यूज़ में होता है। तो परफेक्ट कंडीशन है एल्वियोलाई में ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन कंबाइन होने की, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बाकी अगर आप बाकी ऑप्शंस देखेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ तो एरर आएगा, जैसे यहाँ पे हाई PCO2 दिया है गलत, मोर H+ ये वाला भी गलत, हायर टेम्परेचर ये भी गलत, और लो PO2 ये भी गलत। ये तो टिश्यू का कंडीशन है लेकिन हमें यहाँ पे एल्वियोलाई के लिए पूछा गया, तो इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे तो फोर्थ वाला भी इनकरेक्ट है, तो जो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी से रिलेटेड, हमें यहाँ पे एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। सो फर्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें अलग अलग एडाप्टेशंस दिए गए हैं जो कि NCERT में मेंशन है, और उसके एग्जांपल्स भी NCERT से ही दिए गए हैं, तो ये आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, तो आपको पता है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के लिए एग्जाम्पल दिया गया है कंगारू रैट का, जो क्या करता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर यूटिलाइज करता है। और आपको पता होगा कंगारू रैट जो उसके अंदर H2O प्रोड्यूस होता है उसी को यूज़ करता है, यानी वो बाहर से वाटर ना ड्रिंक करके भी लिव कर सकता है, तो ये उसका एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। अगला ऑप्शन है बिहेवियरल अडेप्टेशन, तो आपको पता है यहाँ पे जो बिहेवियर में चेंज लाता है वो है डेजर्ट लिजार्ड, क्योंकि ये क्या करता है जब भी सनराइज होता है तो वहाँ पे जाके बास्क इन द सन, ये लाइन NCERT में दी गई है, यानी ये सन में जाके अपने बॉडी को हीट एब्जॉर्ब करके मेंटेन रखता है टेम्परेचर। जब भी कोल्ड क्लाइमेट होता है तो ये सन में जाके अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, और हीट जब होती है तो ये अपने बॉडी को हीट से ज़्यादा बचाने के लिए केव्स में छुप जाता है या फिर कहीं शेडी प्लेस में छुप जाता है, तो इसलिए अपने बिहेवियर में चेंजेस लाता है और ये इसका बिहेवियरल अडेप्टेशन है। थर्ड है बायोकेमिकल अडेप्टेशन, या एंजाइम्स और प्रोटीन्स को मॉडिफाई करके एट ग्रेट डेप्थ मरीन फिशेज रह सकती हैं, यानी अगर आपको पता होगा कि जो सी का डेप्थ होता है वो काफ़ी किलोमीटर्स डीप होता है, तो वहाँ पे प्रेशर भी इंक्रीज होगा विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, तो वहाँ पे जो फिशेस रहती हैं एट ग्रेट डेप्थ वो अपने अंदर जो प्रोटीन की फोल्डिंग्स हैं उनको और उनके एंजाइम्स के जो स्ट्रक्चर हैं उनको चेंज करके वहाँ पे रह सकती हैं, तो ये इनका बायोकेमिकल अडेप्टेशन है। और एलेंस रूल आपको पता है पोलार सील में दिखाई देता है, तो आपको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एलेंस रूल, बर्गमैन्स रूल, ये सब आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आगे भी। तो इसके अनुसार आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग टाइप अगेन, ये एवोल्यूशन चैप्टर से है, तो यहाँ पे दिया गया अडेप्टिव रेडिएशन, तो अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल NCERT में दिया है डार्विन फिंचेस, तो यानी ए के आगे 4। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन 2 में ये मिल रहा है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। फिर भी हम बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, आपको पता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, क्योंकि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं उनका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दिखने लगता है, जैसे विंग्स तो बटरफ्लाई में भी होते हैं और बर्ड्स में भी होते हैं, लेकिन बटरफ्लाई जो है वो इंसेक्ट है और बर्ड जो है वो एव्स में आते हैं यानी कॉर्डेट्स में आते हैं, तो इसके वजह से एक कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यानी दो डिफरेंट ग्रुप्स का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है। देन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में आपको पता है बोन्स ऑफ फोर लिम्ब इन मैन एंड व्हेल, क्योंकि ये दोनों भी कॉर्डेट्स में आते हैं और मैमल में आते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो बोन का स्ट्रक्चर है वो सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, यानी ये होमोलोगस एवोल्यूशन का टाइप है। और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आपको पता होगा एनालोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है, ये होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है। एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, तो आपको पता है कि सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ये एक तरह का आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी आप बोल सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक यानी ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, तो लोगों ने क्या किया कि जो ज़्यादा यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड के, इसके वजह से जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाता है। जैसे आपको पता होगा MRSA एक रेजिस्टेंट स्ट्रेन बन गया है, और भी ऐसे बहुत सारे सुपर बैक्टीरिया बनते जा रहे हैं जो कि जितने भी हम नए नए इंसेक्टिसाइड बनाते जा रहे हैं उनसे रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं ड्यू टू एवोल्यूशन। तो ये हो गया ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से एवोल्यूशन, यहाँ पे रेजिस्टेंट वेराइटीज बनना, तो इसलिए इसका अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा गया विच वन ऑफ दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन्स। तो पार्चुरेशन हमको पता है डिलीवरी के प्रोसेस को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन आपको पता है मिल्क रिलीज करने के लिए यूज़ होता है, पार्चुरेशन के लिए नहीं। तो ये तो हो सकता है गलत हो, लेकिन आगे भी हम एक बार ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। इंक्रीज इन द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन रेशियो, तो ये बात सही है क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का रेशियो वापस से इंक्रीज होने लगता है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। देन सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराते हैं, मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं ताकि पार्चुरेशन सक्सेसफुली हो सके, तो ये बात भी सही है। देन रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये भी अगेन मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, स्ट्रॉन्ग विगरस मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो इसलिए इसका रिलीज होना भी इंपॉर्टेंट है फॉर पार्चुरेशन। इसलिए ये तीनों तो सही हैं, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है जो एलिमिनेट हो जाएगा, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन जो कि लैक्टेशन के टाइम होगा ना कि पार्चुरेशन के टाइम पे सिग्निफिकेंटली, तो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। अगला क्वेश्चन अगेन जेनेटिक्स है, यहाँ पे हमें पूछा गया है हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में जो कि डीएनए के कॉइलिंग में मदद करते हैं। तो फर्स्ट आपको ऑप्शन में दिया गया हिस्टोन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, तो ये बात सही है क्योंकि लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन ये तीनों भी पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड जो होते हैं ये रिच होते हैं इन अ हिस्टोन, क्योंकि आपको पता है जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करके बाइंड करके रख सकता है, तो इसलिए ऐसे जो पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो रिच होते हैं इन हिस्टोन ऑक्टोमर, तो इसके वजह से ये इन्हें अच्छे से इस डीएनए को अच्छे से बाइंड करके रख सकता है इन अ पैकेज्ड फॉर्म, तो इसलिए यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, हमें यहाँ पे रॉन्ग पहचान है। नेक्स्ट है हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, ये बात सही। तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ऑक्टोमर बनता है तो H2A, H2B, H3, H4 इनके दो दो सब यूनिट्स होते हैं ओवरऑल, तो ओवरऑल मिला के 8 मॉलिक्यूल्स का बनता है यानी एक ऑक्टोमर होता है। देन थर्ड ऑप्शन में दिया गया द पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, ये बात गलत है, जैसे मैंने आपको कहा कि हिस्टोन इज रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स तो एसिडिक कैसे होगा, तो ये वाली बात यहाँ पे गलत हो गई और यही हमें पहचानना था रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो दिया गया हिस्टोन आर रिच इन अमाइनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये बात भी सही है, जैसे मैंने आपको बताया लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन बेसिकली इसमें ज़्यादा होता है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो लाइसिन और आर्जिनिन मेजरली पाया जाता है। इसके ऊपर मैंने एक कंप्यूटेशनल स्टडी भी किया था तो मैंने उसमें पाया कि लाइसिन और आर्जिनिन आर मोर अबंडेंट देन हिस्टिडीन, तो अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मैं यहाँ पे ग्राफ भी ऐड कर देता हूँ ताकि आप इसे समझ सकें कि लाइसिन और आर्जिनिन आर मोर अबंडेंट देन हिस्टिडीन। सो फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर, तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से हमें पहचानना है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे इनमें से कौन से इवेंट्स देखे जाते हैं, इन्हें सार्कोमियर आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है एच जोन डिसअपीयर्स, तो ये बात सही, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो दोनों लाइन्स है वो इतनी नज़दीक आ जाती हैं कि ओवरलैप कर जाते हैं और यहाँ पे जो एच जोन होता है आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे डिसअपीयर हो जाता है कम्प्लीटली, तो यहाँ पे एक करेक्ट है। देन ए बैंड वाइडेंस, तो ये बात गलत है। देन आई बैंड रिड्यूसेस इन विड्थ, तो ये बात भी सही है, आई बैंड भी रिड्यूस होता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। देन मायोसिन हाइड्रोलाइजेस एटीपी रिलीजिंग द एडीपी एंड पीआई, ये बात भी सही है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी का जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोलाइज होता है बाय द एटीपेज एंजाइम प्रेजेंट इन द हेड ऑफ मायोसिन, तो यहाँ पे आप उसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि एटीपी हाइड्रोलाइज करने वाला जो एटीपेज एंजाइम है हेड ऑफ मायोसिन में वो एटीपी हाइड्रोलाइज करता है ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। देन फिफ्थ स्टेटमेंट में दिया गया जेड लाइन्स अटैच टू द एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड्स, ये बात भी सही, जो जेड लाइन होता है वो एक्टिन से अटैच होती है और वो अंदर की तरफ पुल होती है यानी कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए वो क्लोजर और क्लोजर आती है, तो इसकी वजह से ये वाली बात भी सही है। तो यहाँ पे ई सही है, डी सही है, सी और ए सही है, लेकिन यहाँ पे बी गलत है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला ठीक है, ये वाला एलिमिनेट और ये वाला भी एलिमिनेट, तो यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सो फ्रेंड्स दैट वॉज ऑल फॉर टूडे, आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क, थैंक यू।